दी हुई इस मानव जीवन को हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ खेलना नहीं चाहिए, इसके साथ में इसके उद्देश्यों को भी समझना चाहिए. दिस इज नॉट कॉमन थिंग माई डियर, दिस इज अ बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड हम सब के लिए. एक बहुत विद्वान पंडित जी थे, टीचर थे, जो दुनिया बच्चों को पढ़ाते थे. लेकिन जब घर पढ़ा कर आते थे तो वो अपने बच्चों से, उसकी बीवी जो थी, उसकी वाइफ जो थी, उसे लड़ती थी बार बार. वो कितना भी अच्छा काम करता लेकिन वाइफ, उनकी जो पत्नी थी, उनसे खुश नहीं थी. कितना भी अच्छा काम करने के बाद भी वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, हमेशा अनहैप्पी, और फाइट करती थी वो लग. तो पंडित जी जो टीचर थे, पढ़ाने के लिए रोज जाते, एक तो 8 घंटे वहां पढ़ाते, उसके बाद घर में आते तो वहां फाइट होती. तो एक दिन बहुत अपसेट हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं. तो व्यक्ति जब ज्यादा परेशान हो जाता है, चाहे समाज के द्वारा, चाहे घर के द्वारा, या घर में बहुत डीपली वो जब परेशान होने लगता है, तो कई बार इंसान एक ऐसा गलत सोच मन में धारण कर लेता है कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जीकर जहां समाज, घर, परिवार सब हमारे विरुद्ध है और कहीं जीने नहीं देते. तो फिर कई बार डिप्रेशन में आकर व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है. तो समाज की भी ये ड्यूटी है कि किसी व्यक्ति के पीछे ना दो के हाथ धो के ना पड़े कि कहीं हमारी वजह से कोई डिप्रेशन में ना चला जाए. लेकिन कहां आजकल इतना सोचते हैं दूसरों के बारे में, अपने ही बारे में नहीं सोच पाते, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं हम लोग. तो ये टीचर महोदय सोचने लगे क्यों ना मैं अपना आत्मदाह कर लूं. बोले चलो आत्मदाह तो करूंगा, लेकिन पहले संत रहते थे उनके एक गांव में, महाराज जी से बात करता हूं शायद कोई रास्ता निकले. तो महात्मा जी के पास में गए. तो जब महात्मा जी के पास में गए तो महात्मा जी उस समय पत्तल बना रहे थे. क्या बना रहे थे? पत्तल, समझ रहे, पत्ते इकट्ठे कर करके उसको जो लकड़ी होती है पतली, उससे उन पत्तों को सेट कर रहे थे. तो उससे पत्तल बन रही थी. वो पत्तल जो भी आश्रम में भोजन होता था वो संत स्वयं अपने हाथों से पत्तल बना रहे थे. तो इस व्यक्ति ने कहा महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है. महाराज अपने काम में लगे रहे, पत्तल बनाते रहे. अरे महाराज बहुत जरूरी काम करना है मुझे, आपसे बात करनी है, मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए. बोले बोलो, मैं थोड़ा काम कर रहा हूं. बोले ये काम जरूरी नहीं है, जिस काम के लिए मैं आया हूं वो जरूरी है. अरे बोले मैं ही तो कुछ काम कर रहा हूं, संत तो पकड़ होते हैं, कभी किसी की बटरिंग तो करते नहीं, जो बोलना है बोल देते हैं बिंदास. अरे बोले मैं भी तो काम ही कर रहा हूं. बोले महाराज कमाल करते हो, मैं जो प्रश्न आपके पास लेके आया हूं वो मेरे जीवन और मरण का है और आप पत्थर बनाने में लगे हो. वो नाराज होकर जाने लगा. संत ने पत्तल बना ली और उसको आवाज दी, इधर आओ, बताओ क्या समस्या है. बोले समस्या कुछ नहीं महाराज, बड़ा परेशान हूं जिंदगी में, कभी भी मैं किसी को खुश नहीं कर पा रहा हूं, मैं खुद अपने आप को हैप्पी नहीं कर पा रहा हूं. मैं घर में जब भी जाता हूं पत्नी बेवजह मुझसे लड़ती है, मन करता है कि आत्मदाह कर लूं, सुसाइड कर लूं. तो आप मुझे सलाह दीजिए, क्या मैं मर जाऊं? संत ने कहा एज यू विश, जो तुम चाहो करो, जिंदगी तुम्हारी है. अरे महाराज आप बताइए ना मैं क्या करूं. बोले तुमने देखा कि मैं क्या कर रहा था? बोले जी क्या कर रहे थे बताओ, मैं क्या कर रहा था? बोले जी आप पत्तल बना रहे थे, और आप ऐसी पत्तल बना रहे थे जिसे फेंक ही देना है. आपको मेरे जीवन की कोई परवाह नहीं है, आपको उस पत्तल की परवाह है जिसपे भोजन करने के बाद फेंकना ही है जिस पत्तल को. तो संत ने कहा फेंकना कब है? भोजन के बाद, पहले नहीं. यूज हो जाने के बाद, उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद, अगर उद्देश्य प्राप्त हो जाए, लक्ष्य प्राप्त हो जाए, और उसके बाद तो पत्तल को फेंकना ही है, लेकिन उद्देश्य से पहले नहीं. बात समझ में आई? नहीं. जिंदगी में जब तक उद्देश्य प्राप्त ना हो तब तक आत्मदाह के विषय में सोचना नहीं चाहिए. और मानव जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, और जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो
तब तक इस जीवन से छुटकारा पाले, ऐसी सोच भी अब वो अपनी मर्जी से बुला लो उसकी मर्जी। कई पत्तल हवा में उड़ भी तो जाते हैं, नहीं एक जगह रख दो, खोल लगे रखे, पत्तल परोसने लगे, उससे पहले ही पत्तल हवा आई और कुछ पत्तल उड़ गई, वो किसी के काम ही नहीं आई। अधिकांश हमारे जीवन रूपी पत्तलें इन काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह की हवाओं में उड़ रही हैं, न खुद के काम आ रही है न दूसरों के काम आ रही है। कोई ईर्ष्या कर करके मर रहा है, कोई क्रोध कर करके मर रहा है, कोई वासनाओं में अपने आप को ढाल कर बैठा हुआ उसमें मर रहा है, कोई दूसरों का बुरा करने में ही 24 घंटे थिंकिंग और विचार और ये सब करने में लगे हैं। तो ये वो हवाएं जो उड़ा रही है पत्तलों को। लेकिन इस पत्तल का यूज हो जाए, जीवन का सदुपयोग हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद ये जीवन चला जाए तो स्वामी विवेकानंद की तरह लोग हमें भी याद करेंगे, ध्रुव प्रहलाद मीरा की तरह लोग हमें भी याद करेंगे, और तब बात सत्य होगी। या खुद के काम आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। और भगवान से हमेशा एक ही चीज मांगनी चाहिए, हे प्रभु सुखाव साने इनमेव सारम, दुखाव साने इनमेव जप्यम, देहाव साने इनमेव जप्यम, गोविंद दामो दरमाद वेति। चाहे मेरे जीवन में सुख हो चाहे मेरे जीवन में दुख हो, हर समय मैं आपका नाम जपता रहूं, और एक कृपा मेरे ऊपर जब जरूर करना कि जिस समय मेरे जीवन का अंतिम समय हो उस समय मेरे मुख से सिर्फ आपका ही नाम निकले। देहावसाने इनमेव जप्यम, गोविंद दामो दरमात्मेत। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी आप ही का नाम मेरे मुख से निकल जाए, यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। और कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो अगर भगवान का नाम अंतिम समय पर मुख से निकल जाए तो मेरे ठाकुर एक क्षण में उसका कल्याण कर देते हैं। इवन भगवान तो कहते हैं अंतिम समय पर मेरा नाम जपने वाला व्यक्ति मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे अंतिम समय पर ही नाम ले लेंगे, इतना आसान भी नहीं है भगवान का नाम अंतिम समय पर लेना। जीते जी नाम ले तो बुराई करते नाम लिपवाने वालों की। नाम लेने से ही बाबा जी हो जाएंगे क्या? नाम लेने से ही सच्चे इंसान हो जाएंगे क्या? नाम जपने से ही हो जाएंगे क्या? अरे अंतिम समय मरेंगे तो नाम ले लेंगे, कैसे संभव हो पाएगा? मेरे भाई बहन जीवन में कभी पढ़ने न गए हो और लास्ट में तुम्हें BSc का एग्जाम देना पड़ जाए, वो भी 80 साल की उम्र में, इज इट पॉसिबल? बोलिए MBBS लास्ट में देंगे, बोले लाओ जी एग्जाम दो। जीवन में जो कभी कथा ना समझ पाया हो उसे MBBS का एग्जाम देना पड़े, इज इट पॉसिबल? जीवन भर पाप करते रहे और अंत में मेरे मुख से भगवान का नाम निकल जाएगा? देखिए जीवन तुम्हारा है, इसके साथ खेल करो या इसे बिगाड़ो या तुम इसे सुधारो या इसे सही दिशा दिखाओ, ये तुम्हारी मर्जी है, किसी और की नहीं है। तो इसलिए हम सबको एक जीवन का गोल निर्धारित करना चाहिए। A goal without plan is only dream, is only just without hard work. How can you reach your goal without plan? आप नहीं जा सकते। तो सबसे पहले plan बनाए, goal बनाए, goal को कैसे पाना है उसका plan बनाए, और उस plan को फिर क्रियान्वित करें। करना भी आप ही को है, चलना भी आप ही को है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।